हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के लंच में मैं बनाऊंगी पनीर और आलू की भुर्जी, जीरा राइस और रोटी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 4-5 आलू को उबलने के लिए रख देते हैं और फिर लहसुन और अदरक को छील के अच्छे से दरदरा सा कूट लेते हैं। फिर कढ़ाई में डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट ऐड कर देते हैं। फिर ऐड करेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को मैंने लंबा लंबा काट के ऐड किया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भून लेने के बाद लास्ट में हम बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर को भी अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। अब हम इसमें नमक, हल्दी और धनिया जीरा पाउडर ऐड कर देते हैं और इसे चला लेते हैं। मसाले जले नहीं, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। थोड़ी देर भून लेने के बाद इसमें पनीर मिला देते हैं। पनीर को एकदम बारीक करके मिलाना है और इसमें फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे। इसे थोड़ी देर चला लेने के बाद अब इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैंने लाल मिर्ची पाउडर पहले ऐड नहीं की थी। थोड़ी देर चला लेने के बाद हम इसमें उबले हुए आलू ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला। आप यहाँ किचन किंग मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने गरम मसाला यूज़ किया। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। 5 से 7 मिनट तक इसे चलाते हुए पका लेना है। तो हमारी भुर्जी बनके रेडी है। तब इसे साइड में रख देते हैं। अब हम चावल बना लेते हैं। चावल को अच्छे से पका के ठंडा कर ले। फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड करके उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा हमें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि हम जीरा राइस बना रहे हैं। तो जीरा अच्छे से भून जाने के बाद इसमें हम चावल को मिला लेंगे। राइस में घी का फ्लेवर बहुत ही प्यारा आता है, तो मैंने इसमें घी ऐड किया। इस वजह से जीरा राइस बहुत ही ज़्यादा यमी बन के रेडी है। तो अब हम सर्व करते हैं। यमी यमी पनीर और आलू की भुर्जी बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए।